एपिसोड 104 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है, चलो अंदर चलते हैं। जी बोलता है, यहाँ पर बहुत सारे हथियार और मेडिसिन टूल है। यजु बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल स्टोन भी है। चैन बोलता है, ये जगह एकदम सही है। अभी से मैं पूरा पैलेस को बंद करता हूँ, मैं यहाँ पर कल्टीवेट करने वाला हूँ। फिर चैन कल्टीवेट स्टार्ट कर देता और अपने मन में बोलता है, मेरे रिबॉर्न हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, मैं बहुत ही धीरे धीरे कल्टीवेट कर पा रहा था। यहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल स्टोन है, अब मैं अपना असली स्किल में काम कर पाऊंगा। फिर हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है, ब्लड क्लैन का मास्टर जाग गया है और वो लोग चैन की ओर जा रहा था। जी बोलता है, ब्लड क्लैन बहुत देर से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है, अगर मास्टर कल्टीवेशन से बाहर नहीं आया पता नहीं क्या होगा, वो लोग कितना देर इंतजार करेंगे। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है, हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी बोलता है, मास्टर आप अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिए। जी बोलता है, नहीं अभी नहीं, यहाँ पर इतने ज़्यादा सेलेस्टियल स्टोन नहीं है, मुझे और कल्टीवेट करना है लेकिन मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है। जी बोलता है, मास्टर ब्लड क्लैन रिबॉर्न हो गया है, वो लोग माउंट सू में आपके इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कुंजू रिम के बारे में बात करना है। चैन बोलता है, ब्लड क्लैन जिंदा हो गया और बाहर में इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ ब्लड क्लैन के मेंबर लोग जुडाई को बोलते हैं, क्या चैन बैक्सून बाहर आने वाला नहीं है क्या, वो कितना दिन और कल्टीवेट करने वाला है। दूसरा आदमी बोलता है, ये बेकार है, हम लोग अंदर में चलकर चैन को बाहर ले आते हैं। जुड़ाई बोलती है, मेरे मास्टर भी कल्टीवेट कर रहे हैं, जब उनका हो जाएगा वो बाहर आ जाएंगे। एक आदमी बोलता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अंदर चल जाएंगे। जुड़ाई अपना तलवार निकालते हुए बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी वहाँ से चैन बाहर आ जाता है। तभी वॉन बोलता है, चैन बैक्सियन, मैं हूँ पैट्रियस ब्लड क्लैन का, मेरा नाम रेनहार्ट वॉन है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ। कुंजू के सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं पृथ्वी में, अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं वादा करता हूँ कि बिगोंग सेक्टर और तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। चैन बोलता है, अगर मैं इसके लिए मना कर दूँ। बॉन बोलता है, फिर मैं तुम्हें पकड़ के तुम्हारा इमॉर्टल ले लूंगा, दुनिया को बचाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा। चैन बोलता है, तुम ब्लड क्लैन से हो ना, ब्लड क्लैन इंसान को खाने से बढ़कर कुछ नहीं देखता है, ये मेरा पहला बार है कि मैं सुन रहा हूँ कि ब्लड क्लैन का मेंबर लोग इंसानों को परवाह कर रहा है। बॉन बोलता है, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। फिर वो अपने मन में बोलता है, इसका खून का गंध कितना फ्रेश और टेस्टी लग रहा है, तो इमॉर्टल का खून इस तरह का होता है, इसका खून को पीने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके खून को पीने के बाद मैं अगले लेवल में पहुँच जाऊंगा। तभी एक लड़की बोलती है, चैन बैक्सियन, एक इंसान होने के नाते पे तुम्हें करना ही होगा ये। चैन एक ही हमला से उसका सर को काट डालता है। ये देखकर एक आदमी गुस्से में आ जाता है, बोलता है, मास्टर चैन मैं तुम्हें। बॉन अपने मन में बोलता है, इसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, ये लोग को लग रहा था चैन बैक्सियन अपने आप को कुर्बान कर देगा, ये पॉलिटिशियन सही में बहुत ही जल्दी बात मान लेता है। चैन बोलता है, अगर तुम एक भी बात बोलने का हिम्मत किए तो मैं तुम्हारा फैमिली को पूरा खत्म करूंगा ही, उसके अलावा तुम्हारा गवर्नमेंट को भी खत्म कर डालूंगा, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है। ये सुनकर वो डर के मारे शांत हो जाता है। वॉन बोलता है, चैन बैक्सियन, अगर तुम अपने आप को कुर्बान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कुंजू रिल में ले जाऊंगा। चैन बोलता है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। वॉन उस पर हमला करते हुए अपने मन में बोलता है, क्या तुम सही में मेरी इमॉर्टल शक्ति का सामना कर पाओगे। लेकिन चैन उसके हमले से आराम से बच जाता है। वॉन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे दूर हट जाता है। वॉन अपने मन में बोलता है, ये कैसे हो सकता है, एक मॉर्टल का बॉडी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। फिर वो अपना हाथ को रिकवर कर लेता है, बोलता है, चैन बैक्सियन, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम समझा, अगर मैं तुम्हारा खून पी लिया तो मैं ब्लड गॉड से भी ऊपर हो जाऊंगा। चैन बोलता है, अगर मैं तुम्हें पकड़ लिया फिर मेरे पास इतना ताकत हो जाएगा कि मैं आराम से स्वर्ग को निकल सकूंगा। फिर वॉन चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, ये तो इल्यूशन मैजिक है, मैं इसे आराम से तोड़ सकता हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देता है। वॉन बोलता है, तुम मेरे 1000 ब्लड क्लोन को कैसे देख सकते हो। चैन बोलता है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कम समझे, और उसे जाकर एक जोर से लात मार देता है और वो नीचे जाकर उसका चित्रा निकल जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है, ब्लड क्लैन का सबसे पुराना मॉन्स्टर जो 1000 साल से ज्यादा जिया है वो चैन के एक ही लात में मारा गया। ड्यूक बोलता है, ब्लड क्लैन अभी तक अपना ताकत दिखाया नहीं है, अब हमारा मास्टर अपना असली फॉर्म लेने वाले है। तभी वॉन अपना असली फॉर्म ले लेता है और बोलता है, चैन बैक्सियन, तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपना असली फॉर्म लाने के लिए, अब मैं तुम्हारे दिल को निकाल कर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ड्यूक घुटनों में बैठ जाता है और बोलता है, ब्लड एंसेस्टर मास्टर ने अपना ट्रू फॉर्म ले लिया, अब इससे कोई भी बचने वाला नहीं है। एक आदमी शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो असली का डीमन है। तभी वॉन बोलता है, कर्स ऑफ ब्लाइट। फिर वो उस आदमी का आत्मा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है, चैन बैक्सियन, तुम ये रिल में कभी गए नहीं होगे ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा दुनिया का सबसे डरावना ताकत किसे बोलता है। चैन बोलता है, यही है प्योर डार्क ब्लड, यही तो मुझे चाहिए था,
वॉन हंसते हुए बोलता है, मैं ये फॉर्म लेने के बाद बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। मैं एक ही हमला से पूरा आसमान को काट सकता हूँ। चैन बोलता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो उस पर हमला कर देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। वॉन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं अपना ग्रेट एंसेस्टर कर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर तुम इसके हमले से बच गए तो मैं यहाँ से चल जाऊंगा। चैन बोलता है, तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। फिर वो उसका दूसरा हाथ को पकड़ के उखाड़ डालता है। वॉन अपने मन में बोलता है, नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर है। ये सही में एक मॉन्स्टर है। मुझे यहाँ से भागना होगा। ड्यूक अपने मन में बोलता है, ब्लड क्लैन मास्टर यहाँ से भाग रहे हैं। फिर चैन उसके पास पहुंच जाता है, बोलता है, तुम मेरे से भाग नहीं पाओगे। और वो उसका दोनों पंख को उखाड़ डालता है। फिर वो बॉडी से आत्मा को निकाल लेता है और वहां से भागने लगता है। चैन बोलता है, रुक जाओ, लेकिन वो उसका बात नहीं मानता है। फिर चैन अपने बड़े हाथ से उसे पकड़ लेता है। वॉन चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो। चैन बोलता है, मैं तुम्हारी मदद से कल्टीवेट करके कॉर्नेट स्पिरिट रिल में पहुंच जाऊंगा। वॉन चिल्ला के बोलता है, नहीं, रुक जाओ। फिर चैन उसे एक बॉल में कब्जा करके रख लेता है। ड्यूक ये देखकर वहां से डर के मारे भागने लगता है। चैन उसे अपने तलवार से एक ही वार में मार डालता है। जुडाई बोलती है, मेरे मास्टर ने ब्लड एंसेस्टर को कब्जा कर लिया है, क्या अभी भी तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लोग डर के मारे कुछ बोलता नहीं है। वॉन बोलता है, चैन तुम करना क्या चाहते हो? चैन बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपने लिए एक दवाई बनाने वाला हूँ। वॉन बोलता है, चैन बैक्सोन, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे सेक्टर को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुमसे बहुत ही ज्यादा दूर रहूंगा। चैन उसका बात नहीं मानता और उसे पॉट में डाल देता है। वॉन बोलता है, कैसे रहेगा हम लोग मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनाए? मैं तुम्हारा सेवा करूंगा 100 साल, नहीं 200 साल तक। तुम मुझे पिल और मेडिसिन बना के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं बस यहीं पर तबाह हो जाऊंगा। लेकिन तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, मैं हमेशा तुम्हारा लॉयल सर्वेंट बनूंगा और मेरा सभी खजाना तुम्हारा हो जाएगा। चलो साथ में मिलकर ये पूरा दुनिया में राज करते हैं। चैन बोलता है, पूरा दुनिया में राज करना, मुझे इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। वॉन बोलता है, लेकिन कुंजू रिम का सभी अर्थ लेवल एक्सपर्ट यहाँ पर आने वाला है। अगर तुम्हारे पास अर्थ लेवल का बॉडी भी है फिर भी तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं एक कल्टीवेशन आर्ट को जानता हूँ, इसकी मदद से हम लोग आराम से सामना कर पाएंगे उनका। चैन बोलता है, तुम्हें उनके बारे में क्या पता है? वॉन बोलता है, कुंजू रिम एक छोटा सा दुनिया है। जब इमॉर्टल के बीच मुकाबला हो रहा था वो लोग यहाँ से भाग गए थे गेट ऑफ हेवन का इस्तेमाल करके, और वो गेट का इस्तेमाल ज्यादा होता नहीं है। हमारे ब्लड काइंड के पास एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट है जिससे हम लोग वो गेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं हेवन गेट में गड़बड़ी कर दूंगा और वो लोग यहाँ पर कभी आ नहीं पाएंगे। वो आर्टिफैक्ट ब्लड किन के फॉरबिडन ग्राउंड में छिपा हुआ है, तुम बिना मेरे मदद से उसे खोज सकते हो। चैन बोलता है, तो एक स्पेस का एलिमेंट आर्टिफैक्ट। वॉन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें वो खजाना नहीं चाहिए? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कुंजूर सेक्टर तुम्हें और तुम्हारे सेक्टर को पूरी तरह तबाह कर देगा। चैन बोलता है, तुम्हें रिफाइन करने के बाद ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगे। वॉन बोलता है, चैन बैक्सोन, मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ, तुम्हारा सेक्टर और तुम्हारा पूरा फैमिली नर्क में जलेगा। फिर वो उसे नैंग ड्रैगन चेन से छील कर देता है। वॉन बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं अपना ताकत का इस्तेमाल कैसे नहीं कर पा रहा हूँ? फिर हमें 7 दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन वॉन को रिफाइन कर लेता है और बोलता है, चलो ये लाइव मेडिसिन पूरी तरह कामयाब तो हो गया। ये सही में बहुत ही बेकार है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। अगर मेरे पास और भी होता तो मैं अपने पेरेंट्स और कुआंग के साथ इसे शेयर कर लेता। मुझे सबसे ज्यादा ताकत और पावर चाहिए जिससे मैं अपने लोगों को बचा पाऊँ। अगर मैं अपना असली कल्टीवेशन लेवल में आ गया तो मैं आराम से रिफाइन कर पाऊंगा डिवाइन पिल और सेक्रेट पिल को। कुंजूर इन में बहुत बड़े सेक्टर भी है और हर सेक्टर में आर्ट लेवल एक्सपर्ट भी है। मैं बच नहीं पाऊंगा अगर मैं अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो। फिर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता और बोलता है, ठीक है, खुल जाओ, मेरा पहला स्ट्रेस कामयाब हो गया, मैं स्वाइलिंग डायग्राम और डिवाइन बॉडी में कामयाब हो गया, अब समय आ गया कॉर्नेट लेवल में जाने का। फिर वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ जुड़ाई बोलती है, मास्टर कर क्या रहे हैं? हुआ बोलता है, मुझे लगता है कि मास्टर कॉर्नेट लेवल में जाने वाले हैं। जी बोलते हैं, अगर मास्टर कॉर्नेट लेवल में पहुंच गए तो कुंजू रिम का आर्ट लेवल का एक्सपर्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। फिर हमें 1 महीना के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, रिबॉर्न हुए मेरा 5 साल हो चुका है, आखिरकार मैं कॉर्नेट लेवल में पहुंच गया हूं। और वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जी बोलता है, हुआ तुमने वो देखा? हुआ बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, वो एक लेजेंडरी क्रिएचर है, उसका नाम कुनपेन है। चैन बोलता है, आज से मेरा ट्रू इमॉर्टल का जर्नी स्टार्ट होता है। जीव बोलती है, मास्टर आप कॉर्नेट लेवल में पहुंच गए हो? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। ये जो अपने मन में बोलती है, ये लड़का है कौन असल में?